जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं देवेश। दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले की बात है, आप सभी ने नोटिस भी किया होगा, हमारी मीडिया में दबा के खबरें चलाई गई थी कि भारत को रूस से चाहिए कच्चा तेल, लेकिन रूस ने हाथ खड़े कर दिए। तब रूस का यह कहना था कि भारत को भले ही कच्चा तेल चाहिए, लेकिन हमारे पास कच्चा तेल नहीं बचा। इसलिए रूस ने भारत से कह दिया कि भाई अपनी व्यवस्था देख लो, हम आपको डिस्काउंट पर कच्चा तेल नहीं दे पाएंगे। पूरा घटनाक्रम आपको अच्छे से याद होगा। तब दोस्तों जाने अनजाने हमारी मीडिया ने कोशिश करी थी भारत और रूस की दोस्ती में दरार डालने की, लेकिन दोस्तों अब देखिए आप सच्चाई। फरवरी महीने में रूस कर रहा था दवा के कच्चे तेल का उत्पादन, लेकिन फिर रूस यूक्रेन युद्ध हो गया, रूस पर लग गए आर्थिक प्रतिबंध। तो रूस को पता नहीं था कि भाई दुनिया में कौन कितना कच्चा तेल उससे खरीद पाएगा, इसलिए रूस ने अपना प्रोडक्शन घटा दिया। लेकिन भारत रूस की उम्मीद पर खरा उतरा। भारत ने कह दिया था जिसको जो कहना है कहता रहे, हम तो रूस से दवा के कच्चा तेल खरीदेंगे। इस प्रकार भारत ने तो तुरंत रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ा दी, लेकिन उसी के हिसाब से रूस कच्चे तेल का उत्पादन नहीं बढ़ा पाया। जब डिमांड बढ़ गई और सप्लाई नहीं बढ़ पाई तो हो गई किल्लत। इसलिए रूस का कहना था भारत से कि भाई जी रुक जाओ थोड़ी देर, हम जो है कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ा देते हैं आपके लिए। अब दोस्तों यह सब हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं रूस के डेप्टी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन फरवरी महीने में होता था वही प्रोडक्शन हमने चालू कर दिया है। मतलब बीच में जो गिरावट आई थी वह हमने पूरी कर ली है, अब हमारा प्रोडक्शन फरवरी के लेवल का हो गया। लेकिन चूंकि भारत जैसे अनेक देश रूस से अभी भी कच्चा तेल खरीद रहे हैं, भर भर के खरीद रहे हैं, इसलिए रूस अपने कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। इस प्रकार जुलाई महीने में रूस से कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ जाएगी। भारत के पास डिमांड है, रूस के पास सप्लाई है, मतलब जुलाई महीने के लिए हमें जितना कच्चा तेल चाहिए उतना रूस से मिल जाएगा। अरे भाई साहब, रूस ने बढ़ाया ही प्रोडक्शन भारत के लिए है। अब दोस्तों आप देखिए कि भारत की डिमांड पूरी हो सके उसके लिए रूस जो है प्रोडक्शन बढ़ा रहा है अपने कच्चे तेल का। यह तो है रूस की सच्चाई। अब आप देखिए कड़वी सच्चाई अमेरिका की। रूस पर तो लगे हैं प्रतिबंध, रूस ने बीच में प्रोडक्शन घटाया मार्च में, समझ में आता है। लेकिन भाई साहब अमेरिका ने क्यों घटाया? अमेरिका के ऊपर तो कोई प्रतिबंध नहीं लगे थे, अमेरिका तो जितना चाहे उतना कच्चे तेल का प्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने बढ़ाना तो छोड़ दीजिए, कच्चे तेल का प्रोडक्शन घटाया। मतलब दुनिया में जो कच्चे तेल की किल्लत बनी हुई है, सभी लोगों के बजट बिगड़े हुए हैं अमेरिका से लेकर भारत तक, उसका जिम्मेदार कौन है? बाइडेन है उसके जिम्मेदार, पुतिन साहब नहीं है उसके जिम्मेदार। अब दोस्तों ये रूस यूक्रेन युद्ध तो आप भूल जाओ। सबसे बड़ी बात यह है कि बाइडेन ने कसम खा रखी थी पानी उठा के कि भाई साहब हम जो है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से नहीं मिलेंगे। तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने भी कह दिया था लिखित में कि भाई साहब जब तक बाइडेन हमारे दरवाजे पर मत्था नहीं टेकेंगे तब तक हम कच्चे तेल का उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे, चाहे अमेरिका कितनी ही मिन्नतें करता रहे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस अपनी बात के पक्के थे। भाई साहब उस युवा नेता ने अपने देश की कच्चे तेल का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया, दुनिया भर से डिमांड आती रही। अब देखिए कौन झुक रहा है, झुक रहे हैं स्वयं प्रेसिडेंट बाइडेन। 7 दरवाजे पार करके अब जो है दस्तक दे रहे हैं बाइडेन सऊदी अरब में। वृद्ध बाइडेन, सीनियर बाइडेन आ रहे हैं सऊदी अरब ताकि वह सऊदी अरब के युवा क्राउन प्रिंस से मिल सके, माफी मांग सके, मिन्नतें कर सके कि भाई साहब प्रोडक्शन बढ़ा लो अपने कच्चे तेल का, दुनिया में सप्लाई बढ़ेगी तो फिर अमेरिका में भी गैसोलीन के दाम कम होंगे। अमेरिका में महंगाई इनसे संभल नहीं पा रही है, तो इन्होंने अमेरिका को धकेल दिया है मंदी के दलदल में। और फिर इतने सब घूम घाम के इनको आना पड़ रहा है सऊदी अरब। स्वाभाविक है दोस्तों, यदि सऊदी अरब इनको आना ही था तो 2 साल पहले आ जाते। भाई साहब इतनी सब दिक्कतें दुनिया को हुई क्यों हुई? आपका ईगो इतना बड़ा क्यों है कि पूरी दुनिया आज उसकी कीमत अदा कर रही है? सवाल इस बात का है, आप ना खुद कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, सऊदी अरब बढ़ाने को तैयार है तो आप सऊदी अरब की शर्त नहीं मानेंगे। 2 साल से यह खींचतान चल रही थी 2 आदमियों के बीच में, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और बाइडेन के बीच में।
लेकिन दो आदमियों के बीच की खींचतान का खामियाजा भुगता पूरी दुनिया ने। एनीवेज बाइडेन साहब कब क्या कुछ कर बैठे हैं इसका पता नहीं, इसलिए उनको हम छोड़ते हैं उनकी जगह पर। अच्छी बात दोस्तों यह है कि शेयर मार्केट में आ गई है गिरावट। साल 2008 से तो हम खुद हैं मार्केट में एक्टिव, और हमारी बात छोड़िए, आप तो चार्ट देखिए, चार्ट आपके सामने है निफ्टी 50 का। पिछले 14 सालों में तीन बड़ी गिरावटें आईं, 2008 में, 2015 में, 2020 में। तीनों गिरावटों के बाद निफ्टी गया ऊपर ही है। जिस प्रकार धुआं ऊपर उठता है वैसे ही निफ्टी भी ऊपर जाता है। कहने का मतलब यह है कि हर गिरावट है खरीदारी का मौका, बशर्ते आप अच्छा माल पहचान कर उसे सस्ते दाम पर खरीदें। अभी गिरावट नहीं है, डिस्काउंट की सेल चल रही है। इस डिस्काउंट की सेल का आप लाभ उठा सकें, इसलिए 14 साल में मार्केट में जो हमने सीखा उसे हम सिखा रहे हैं आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स के माध्यम से। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी लिंक, उस पर क्लिक करके आप आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। यह वीडियो आपने देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।